जो पहले से शिक्षक थे उनके साथ तो सीधे सीधे ये ज्यादती है। सरकार को उनको बगैर कोई शर्त के, बगैर किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। उस विज्ञप्ति में हम देख रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए कोई अलग से सीटेट में रिलैक्सेशन की घोषणा नहीं हुई है। नहीं, एग्जाम का डेट निकाल देने से ही धांधली का कोई संकेत तो नहीं मिलता है। उसमें से कुछ छात्रों को लग रहा है कि हम एग्जाम नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे, उनका अपना च्वाइस हो सकता है। स्टेट का अलग मामला है, मानता हूँ कि उनके साथ गलत हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हैं। लेकिन जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, आपने सीटेट क्वालिफाई अगर किया तो आप एलिजिबल हो गए टीचर के लिए, पात्रता के लिए। आप पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर लिया तो आप पात्र हो गए, लेकिन पात्र हो जाने से ही आप शिक्षक बन जाएंगे ऐसा रूल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। नई शिक्षा नियमावली आने के बाद से लोग जो हैं शिक्षक अभ्यर्थी खास तरह के परेशान हो गए हैं। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ। संदीप जी, किस तरह से देखते हैं शिक्षक अभ्यर्थी, नए नियमावली आई है, अब बीपीएससी ने डेट भी उसका दे दिया है परीक्षा का, कैसे देखते हैं? उसमें दो तरह का बात है। एक तो है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो पहले से शिक्षक थे, उनके साथ तो सीधे सीधे ये ज्यादती है। सरकार को उनको बगैर कोई शर्त के, बगैर किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। और चूंकि आप छांट नहीं रहे हैं, आप परीक्षा लेकर के वो अगर फेल भी करेंगे तो आप वो इसी स्कूल में पढ़ाएंगे, आप सिर्फ एक टैग दे रहे हैं, तो इसलिए उनके साथ तो गलत है। जहाँ तक नए अभ्यर्थियों का मामला है तो ये सरकार के पास तो सही में राइट है आप किस तरीके से बहाली करते हैं, लेकिन जो भी बहाली करें हमारा ये कंसर्न है कि न्यायपूर्ण तरीके से हो। और चूंकि 4 साल तक ये बहाली लटकी रही, इसलिए अधिकतम बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल रहें, जो रूल रेगुलेशन बिहार का है उसको फॉलो किया जाए, आरक्षण के जो प्रावधान हैं उसको ठीक तरीके से इसमें लागू किया जाए। क्योंकि अभी जो विज्ञप्ति आई है उस विज्ञप्ति में हम देख रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए कोई अलग से सीटेट में रिलैक्सेशन की घोषणा नहीं हुई है। तो जो छठे चरण में सरकार ने रिलैक्सेशन दिया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो आपको इस समय देना चाहिए था। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जैसे आपने कह दिया कि भाई सबको मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, अब दिव्यांग बच्चे तो उसी में परेशान हैं। दो दो एक एक, एक हर जिला में तो है नहीं मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ के बच्चे कुछ दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो आपका कोई जगह ही नहीं, हमको तो कोई नोटिस मिला नहीं है कि आपको हम बना के दें, तो लौटा दे रहे हैं। तो इस तरह की दिक्कतें ना हो। जो सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर छोड़ दिए गए हैं तो बिहार गजट को देख करके उन सब्जेक्ट को शामिल कीजिए। तो इस तरह से जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं उसको सरकार ठीक तरीके से देखे, साफ सुथरा बहाली हो और समय पे बहाली हो, यही हम लोग चाहते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो एग्ज़ाम का जो डेट निकाल दिया है उसमें धांधली नहीं होगी, क्योंकि अगर धांधली होती है तो बच्चे को 2 साल और पीछे चले जाएंगे? नहीं, एग्ज़ाम का डेट निकाल देने से ही धांधली का कोई संकेत तो नहीं मिलता है। एग्ज़ाम का डेट इसलिए जल्दी निकालना था क्योंकि बहाली बहुत विलम्ब हो रहा है। तो सिर्फ अभ्यर्थियों का मामला नहीं है, जिन स्कूल में शिक्षक कई सालों से नहीं है और बगैर शिक्षक के जैसे बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है स्कूलों के अंदर, तो उसको जल्द से जल्द फुलफिल, सीटों को भरा जाए, फुलफिल किया जाए, ये तो सबको ही चाहता है। तो डेट निकालने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, न्यायपूर्ण तरीके से और सब चीज़ों को ठीक से देखते हुए जो भी ग्रीवांसेस, जो भी छात्रों की शिकायतें हैं उनको सरकार ठीक तरीके से देखे और जो भी जायज़ मांगे हैं बच्चों की उनको ठीक से माने। क्या बच्चे सड़क पर जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम लोग का जो नियुक्ति पत्र देना था वो प्रवेश पत्र धरा दिया है, और जो नियोजित शिक्षक वाले हैं वो भी एग्ज़ाम से दूर भाग रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? क्या वो एग्ज़ाम देंगे या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे? एग्ज़ाम देने में नए अभ्यर्थियों के बीच में कोई मसला नहीं बचा है, वो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब उसमें से कुछ छात्रों को लग रहा है कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे, उनका अपना च्वाइस हो सकता है। लेकिन अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जा रही है और ये आप इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब आपने सीटेट क्वालिफाई किया, स्टेट का अलग मामला है, मानता हूँ कि उनके साथ गलत हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हैं, लेकिन जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, आपने सीटेट क्वालिफाई अगर किया तो आप एलिजिबल हो गए टीचर के लिए, पात्रता के लिए। आप पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर लिया तो आप पात्र हो गए, लेकिन पात्र हो जाने से ही आप शिक्षक बन जाएंगे ऐसा रूल नहीं है। तो पहले जो क्राइटेरिया था छठे चरण तक, वो क्या था कि आप एलिजिबल हो गए, उसके बाद आपके अंक को देखा जाएगा कि आपके बीए और बीएड में कितना अंक था, उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसमें जो उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी तब आपका, तो एक सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। उसी तरीके से कई राज्यों में है कि जहाँ पे आपका सिर्फ सीटेट के बेस पे
मेरिट बन गया। तो तीसरा रास्ता एक हो सकता है उसमें कि कंपटीशन दे दीजिए, आप एलिजिबल हो गए उसके बाद परीक्षा दे दीजिए, तो जो एलिजिबल हैं वही लोग फॉर्म भरेंगे और उसमें से जो वहाँ से फिर मेरिट बनेगी। तो ये नए जो अभ्यर्थी हैं वो तो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, अधिकांश लोग तैयार हैं, स्टेट के साथ गलत हुआ लेकिन अंततः अब उनको भी एग्ज़ाम में जाना पड़ रहा है। हम उनसे यही कहेंगे कि अब समय कम है, आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगिए। लेकिन जिनके साथ गलत हो रहा है, आरक्षण की जो गड़बड़ी है, 6 to 8 में जैसे सीट नहीं दिया गया है, जैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को सरकार और विभाग तत्काल दुरुस्त कर ले, ये हम चाहते हैं। संदीप जी, जुलाई में जो अपेयरिंग वाला जो सीटेट वाला अभ्यर्थी है वो अपनी परीक्षा का जो मांग है करें कि हम लोग अपेयरिंग में दिया जाए, अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, कोर्ट जाने के लिए वो लोग बोल रहे हैं। कोर्ट में तो नहीं टिकेंगे। अब अपेयरिंग में आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाएंगे, तो कोर्ट में ये सब चीज़ नहीं चलता है। आंदोलन कीजिए, आपका अधिकार है, बल्कि मैंने खुद ही मांग उनको उठा उनकी मांग को उठाया था। लेकिन अब देखिए, उसमें पुराने जो अभ्यर्थी हैं वो इसका विरोध करते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा लोग एलिजिबल आ जाएंगे तो हमारा संख्या बढ़ जाएगा, तो हमारा परीक्षा टफ हो जाएगा। तो हालांकि वो सब नहीं होना चाहिए, सरकार अगर उनको मौका देती है तो अच्छी बात है, अगर मौका नहीं देती है तो अगला बार तुरंत बहाली मेरे ख्याल से आएगा। ये परीक्षा जैसे ही हुआ उसके बाद तुरंत स्टेट की परीक्षा होगी और फिर से बहाली निकाली जाएगी। तो एक साथ चूँकि अब बिहार में आप समझिए कि 3 लाख के आसपास शिक्षक के पद खाली हैं, 2,75,000, बहाली तो 1,70,000 ही निकली है। तो ऐसा नहीं कि ये अंतिम बहाली है, इसके बाद बहाली नहीं आएगी। तो जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें मौका मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है मौका तो तुरंत बाद परीक्षा होगी, उसमें उनको मौका मिलेगा। तो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट सुन लिए, खासतौर पर कह दिया संदीप सौरभ ने कि अगर इस महीना में अगर आप लोग का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा अपीयरिंग में, तो अगले बार आप लोग का नियुक्ति मिल आप लोग का बहाली लिया जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा ही सीट खाली है और 1.5-1.25 लाख कहीं अभी तक निकला ही है बस शिक्षक का। लेकिन ऐसे में आपको देखना होगा कि क्या अगर बिहार सरकार देती है आप लोग को बैठने के लिए अपेयरिंग में, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इंतजार करिए। अभी तक फिलहाल इतने, बड़ा रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ का। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।